हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खोवा का पेड़ा, उसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने नारियल का चूरा ले लिया है, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, इसको 3-4 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। खोए का आप लड्डू भी बना सकते हो, पेड़ा भी, बट मैं यहाँ पर पेड़ा बना रही हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर भून लिया था, ये रहा खोआ। अब मैं इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी, ये घर का खोआ है, तो इसको भी अभी मैं अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। कलर चेंज होने तक आपको इसको भून लेना है। ये देखिए इधर धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। ये देखिए ये मेल्ट हो गया है खोआ हमारा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी अच्छे से, ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने खोआ को निकाल लिया है एक बर्तन में, इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पीसी हुई चीनी ली है, ये नारियल चूरा है, मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए ठंडा हो गया है खोआ हमारा, ठंडा हो गया। तो अभी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी नारियल चूरा और ये पीसी हुई चीनी। चीनी पाउडर मैंने रखा था, आपके पास अगर चीनी है तो उसको ग्राइंड कर सकते हैं ग्राइंडर में, बट मेरे पास था तो मैं वही यूज कर ले रही हूँ। इसको मैंने मिला दिया है और मैं यहाँ मिला दूँगी बादाम, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो इसको मैंने मिला दिया है, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से सबको। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हैंड से भी आप मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, हाथ से ही कर दिया था मैंने अच्छे से मिक्स इसको। तो अभी मैं बना लूँगी इसके पेड़े। लड्डू बनाना है तो ऐसे गोला गोला करके आप शेप अपने हिसाब से आप इसको शेप दे सकते हैं, छोटा या बड़ा भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर गोला करके इसको हल्का सा प्रेस कर दूंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बना था, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होता है। तो मैंने सारे ऐसे बना लिए हैं पेड़े, आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से है बनाया है मैंने। ये देखिए इस गोला बना के लड्डू की तरह थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। अगर आप इसको प्रेस नहीं करना चाहते तो आप गोला गोला लड्डू की तरह भी रहने दो। तो मैंने सारे ऐसे ही बना लिए थे, ये देखिए फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़ बना लिए हुए थे, आप लोग बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ये देखिए कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है।